आयुष्मान भारत की स्कीम से 50 करोड़ लोगों को किस तरह से फायदा पहुंचेगा, यह भी बड़ा सवाल है। कैसे पता चलेगा कि आपका नाम इस स्कीम में है या फिर नहीं है? इसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा, क्या कोई प्रीमियम देना होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जी बिजनेस संवाददाता समीर दीक्षित ने बात की आयुष्मान भारत के सीईओ इंदु भूषण से। प्रधानमंत्री मोदी सरकार की सबसे बड़ी या यूं कहें महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत 25 सितंबर से ये लागू होनी है, लेकिन इसकी बारीकी क्या है, क्या खास है ये और क्यों सरकार इस पर इतना जोर दे रही है? आयुष्मान भारत के सीईओ इंदु भूषण जी हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए। एक बड़ी योजना और उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर, आम जनता ये जानना चाहती कि सरकार जिस पे इतना जोर दे रही है उसकी आखिर क्या बड़ी बातें हैं, क्यों उतना जो है इस पे सरकार जोर दे रही है? देखिए, इसमें अगर आप कहेंगे पांच क्या बड़ी बातें हैं, तो पहली तो ये बहुत बड़े स्केल पे हो रही है। जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोग इसमें 50 करोड़ लोगों को कवर कर रहे हैं, और अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो अगर ये तीन देश मिला दें आप, कनाडा, यूएस और मेक्सिको, तो उनकी संख्या जनसंख्या से ज़्यादा हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये एक तो इसका स्केल बहुत बड़ा है। दूसरी बड़ी बात है कि जो आपका परिवार है उसमें कोई भी गंभीर बीमारी है और उसको अस्पताल में भर्ती करना है तो 5 लाख रुपए तक का कवर पूरा इसमें फ्री मिलेगा। और अब तक जितनी भी बाकी योजनाएं थीं, इसके पहले हम लोग एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चला रहे थे जिसमें कि कवरेज था 30,000, तो 30,000 से अब ये 5 लाख हो गया है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है कि ये कैशलेस है। आप जाएंगे अस्पताल में, आपको अस्पताल में भर्ती होने के बाद किसी भी चीज़ के लिए कोई पैसा नहीं देना, अस्पताल के किसी काम के लिए, खाने के लिए, दवाइयों के लिए, कोई डायग्नोस्टिक्स है उसके लिए, डॉक्टर की फ़ीस है, सर्जरी है, कुछ पैसा नहीं देना आपको। आप भर्ती होंगे, वहाँ से आप रिलीज होंगे, उसके बाद आपको कुछ भी इस बीच में कुछ पैसा नहीं देना, कैशलेस है। चौथी बात है कि ये IT सिस्टम पे बेस्ड है और एक तरह से ये पेपरलेस स्कीम भी है कि इसमें सारा का सारा रिकॉर्ड हम लोग काफ़ी सुरक्षित रखेंगे, उस रिकॉर्ड को वो रहेगा। और एक बार आप आगे आप जो हमारे लाभार्थी हैं, एक बार आ गए और उसके बाद जब दोबारा जाएंगे तो आपको ज़्यादा कोई ID वगैरह की आवश्यकता नहीं है, आप बस आधार कार्ड ले जाएं तो उसके बाद आप उसको कर सकते हैं क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में आपका नाम रहेगा। मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि ये जो योजना है इसमें जो लाभार्थी है उसको कोई भी प्रीमियम नहीं देना है। और पिछले 4-5 दिन में मेरे संज्ञान में कुछ ऐसी बातें आई हैं कि कुछ वेबसाइट्स हैं वो क्रिएट हो गई हैं, वो कह रही हैं उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री जी का चित्र भी लगा दिया है और वो ऐसा कह रही हैं कि आप इसको एनरोल करिए और हमको 1,000 रुपये 1,200 रुपये का प्रीमियम दीजिए और आपको 5 लाख रुपये का कवरेज मिलेगा। ये जो वेबसाइट्स हैं वो धोखे वाली वेबसाइट्स हैं, ये जो भोले भाले लोग हैं उनको धोखा दे के पैसा लेने की बात कर रहे हैं, तो इससे सजग होने की आवश्यकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से इस बात को सभी जनता तक पहुँचाना चाहता हूँ। जो ओरिजिनल स्कीम है उसमें कोई प्रीमियम नहीं है? ओरिजिनल स्कीम में कोई प्रीमियम नहीं है और ओरिजिनल स्कीम में जो हम कोई एनरोलमेंट भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो 50 करोड़ लोग हैं उनकी सूची है ऑलरेडी। जो परिवार इसका लाभ ले सकते हैं वो कैसे अपने आप को कैसे वो स्कीम से जोड़ पाएंगे? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि परिवार जो है उनको कैसे पता चले कि वो लोग इसके लाभार्थी हैं, वो उनका नाम सूची में है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग कई चीज़ें कर रहे हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी जितने भी चयनित परिवार हैं और जो जिनके नाम हमारे पास हैं उनको सबको चिट्ठी लिखेंगे और ये चिट्ठियाँ हम लोग अगले 40 दिनों में प्रिंट करा के हर एक परिवार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर आप सोचें कि 10 करोड़ चिट्ठियाँ छापना, अगर एक दिन में अगर 10 लाख चिट्ठियाँ छापते हैं तो 100 दिन लगेंगे आपको 10 करोड़ चिट्ठियाँ छापने में, तो वो काम हम लोग को करना है। उसके अलावा हम जितने जो हमारे गांव में वर्कर्स हैं, ANM है, आशा वर्कर्स हैं और इसके अलावा जो हमारे PHCs हैं और जो बाकी हेल्थ के हमारे कर्मचारी हैं उनके पास भी सूचियां हैं, तो उनके पास जाके आप देख सकते हैं। और अभी 15 दिन में हम लोग एक वेबसाइट भी क्रिएट करेंगे जिसमें कि अगर आप चाहें तो जाके अपना नाम देख सकते हैं कि अगर आप सूची में हैं कि नहीं हैं।